ठीक हूँ। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, धूप है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube ब्लॉग में। तो आज नैतिक की थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी ढीला सा लग रहा है ये। और आज ये थोड़ा उदास भी है कि इसकी दादी चली गई है आज गांव। आज सुबह सुबह गए, मेरे हस्बैंड गए उनको छोड़ने। तो हम सबको भी थोड़ा अच्छा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इतने टाइम से वो हमारे साथ थी। तो कोई नहीं, अभी हम गर्मियों की छुट्टियों में हम भी जाएंगे उनसे मिलने, तो फिर मिलेंगे उनसे। तो अभी मैं तो जा रही हूँ थोड़ा हॉस्पिटल, इसको नैतिक को डॉक्टर को दिखाती हूँ। इसकी डॉक्टर है जिसको हम बचपन से ही से दिखाते थे। तो बुखार उखार जो भी कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं उन्हीं के पास ले जाती हूँ, इनको ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। फिर मिलते हैं आपसे। घर है नजदीक आपको? बिल्ली है। बिल्ली? बिल्ली आई आपके घर? देखो तो। हाँ दिखाओ तो। चलो चलो देखते हैं। डर लग रहा है मम्मा। बिल्ली से आप डरते हो? भाई मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैंने ब्रेड भी खा ली। फिर ऊपर जा हुआ कैंप लगा हुआ बस में। क्या करूँ? नैतिक की दवाई लेके आ गए हम लोग दोनों हॉस्पिटल से। अब मैं इसको मेडिसिन खिलाती हूँ। इतने नखरे दिखाता है ये दवाई खाने में। देखो दवाई खाएगा नहीं, ये बहुत मुश्किल से दवाई खिलानी होती है इसको। एक एक से तो खाता ही नहीं है, दो दो जने चाहिए होते हैं इसे दवाई खिलाने के लिए। तब भी मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश कर करके इसको दवाई खिलाई। बहुत बहुत मुश्किलों से खाता है ये दवाई, खाता नहीं है बिल्कुल, उल्टी कर देता है। अभी अभी खाएगा बस फिर उल्टी कर देगा। तो मैंने कैसे करके इसको दवाई खिलाई क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था इसको, जुखाम भी था। तो दवाई खिला रही हूँ अभी अभी भी। देखो इतना टाइम हो गया, अभी भी इसने दवाई नहीं खा रखी है। तो अब मैंने इसको डांटा कि दवाई खा, तो फिर रोने लग गया। फिर ज़बरदस्ती करके मैंने फाइनली खिलाई दी इसको दवाई। अब पता नहीं उल्टी करेगा क्या करेगा, पर खिला तो दी। नैतिक को दवाई खिलाने के बाद अब घर का काम शुरू किया। सारे कवर वगैरह एक बार सफ साफ करके, इनका कुशन वगैरह सब सफाई कर देती है। रोज़ रोज़ डस्ट हो जाती है बहुत सारी। तो मैंने ये सेठी है इसका बेड सीट सही से झाड़ के इसको बिछा दी। और अब कुशन लगाती हूँ यहाँ पे। नैतिक भी मेरी हेल्प कर रहा है कुशन लगाने में। बुखार है इसको तब भी मेरी हेल्प करते रहता है ये, और बिगाड़ता भी यही है चीज़ें। तो मैं सफाई कर लेती हूँ धीरे धीरे घर की, बहुत सारे काम हैं और भी। तो मेरा घर का वगैरह काम वगैरह सब होके मैंने लंच बनाया। लंच में आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया, नैतिक की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने इसके लिए एग की भुजिया और रोटी बना दी, और थोड़ी सी चाय भी दे दी इसको। आजकल दादी के साथ रह के इसको चाय पीने की आदत सी लग गई है, तो चाय मांग रहा था। तो मैं इसको लंच, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बच्चों को तो मैंने करा दिया लंच। रोटी बेटी को भी मेरी रोटी अच्छी लगती है, तो उसके लिए रोटी बनाई मैंने। और मैंने भी चाय वगैरह पी ली है। अभी बेटी भी आ गई स्कूल से, नैतिक को भी मैंने दवाई वगैरह दी, तो अभी थोड़ा उसका फीवर ठीक है। अब मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ, बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट कराती हूँ। रात को नींद नहीं आई थी ना मुझे, रात को नैतिक को बुखार था तो मुझे इसके चक्कर में जगना पड़ा, तो इसलिए थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो गई, इसलिए तबीयत आज थोड़ी ढीली है। तो थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ फिर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग उठ गए हैं, शाम के पाँच बज गए हैं। तो आज सासू माँ नहीं है, अकेले अकेले चाय पीनी पड़ रही है। मेरे हस्बैंड भी गए हुए इनको छोड़ने, तो मैं चाय पी रही हूँ और ये मम्मी के दिए हुए खजूरें भी खा रही हूँ। और मैं एक छोटी सी लिस्ट बना रही हूँ घर के सामान की, जो हर महीने लाती हूँ मैं ग्रोसरी आइटम। एक एक करके लाओ तो बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और महंगा भी पड़ता है, इससे अच्छा पूरी लिस्ट बना लो। तो इकट्ठा ले आऊँगी, अभी आज थोड़ा टाइम भी है तो अभी जाऊँगी और ले आऊँगी। अभी नैतिक का बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैं लिख लेती हूँ। मम्मी मम्मी
देखो ये नैतिक के लिए उसकी दीदी एक नई बुक लेके आई है स्कूल से, उसको गिफ्ट। ये खजूरे इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, मम्मी ने बनाया, पता नहीं इसमें क्या क्या मटेरियल डाला है, कितने सॉफ्ट हो गए ये। लिखते लिखते मैं पूरा ये खा गई। वैसे तो बहुत हार्ड भी हो जाते हैं ये, लेकिन घी वगैरह इसमें ज्यादा डला होगा तो ये बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। नहीं आपको नहीं खाना, आपको फीवर है ना आज, है ना? मुझे अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, पर अभी फीवर है ना आपको। मेरा फीवर तो अपने साथ होता है। मैं आज कौन सा फरवरी है? टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो मेरी ये पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको लेके आती हूँ शॉप वाले को, और पेमेंट भी मैं करके आऊँगी और वो लोग घर पे छोड़ के जाएंगे। और बाकी थोड़ा दूध सब्जी भी मुझे कुछ लेना है तो वो भी लेके आती हूँ मैं थोड़ा। नैतिक स्टीम ले रहा है, इसके गले में दर्द है, बहुत आराम से स्टीम ले लेता है, खुद ही लगा लेता है, खुद ही ऑन ऑफ करके, अच्छा लगता है इसे स्टीम करना। नैतिक अभी ऑफ नहीं करो, अभी ऑन नहीं करो, अभी और है मेडिसिन उसमें करो। मजा आ रहा है आपको? लगाओ इसको, थोड़ी जुकाम है गले में, थोड़ा इन्फेक्शन है, तो मैं इसको स्टीम करा देती हूँ। लगाओ लगाओ उसको। तो दोस्तों मेरा डिनर वगैरह रेडी हो गया है, डिनर में खास नहीं बनाया मैंने, रोटी बनाई है और सब्जी बनाई है। तो मेरा ये ग्रोसरी जो मैं स्लिप लेके गई थी उसका मेरा सामान भी आ चुका है सारा, पूरे महीने का मेरा स्टॉक आ गया है। तो अब मैं सब कुछ है इसमें, जो भी मुझे महीने में पूरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब मैं इकट्ठा ले लेती हूँ। लास्ट मंथ भी मैंने आपको ये शायद दिखाया था, तो एक बार ले लो तो इकट्ठा सही रहता है। तो अब मैं इन सबको करूँगी, निकालूंगी सबको, खोल के उनके बॉक्स में डालूंगी और सारे बॉक्स की सफाई वगैरह करके ये सब भरना पड़ेगा, थोड़ा काम होगा मेरे लिए। तो अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।